आज इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश करते हैं यार, राइटिंग में नहीं जाना भाई, वो बोर तो नहीं हो रहा ना आपका, मजा आ रहा है? ठीक है, एंजॉय करके सीखो भाई चीजें। डिजिटल मार्केटिंग यार इसको सीखने से पहले हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, वैसे इंटरनेट पे हो क्या रहा है आपको पता है? जो दुनिया का सबसे अमीर बंदा वो किस वजह से अमीर बंदा है? मेहनत की जाए फिर मजदूर से ज्यादा मेहनत करता है वो अमीर नहीं बन पाता। किस वजह से? स्मार्ट वर्किंग, स्किल्स की वजह से। उससे ज्यादा होनहार लोग बैठे हुए हैं दुनिया में, किस वजह से? स्मार्ट स्मार्ट वर्क। ठीक है जी, स्मार्ट वर्क को हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वो आईटी या इंटरनेट की वजह से, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर पा रहा है। देखिए अगर एक होनहार बंदा उसके पास स्किल भी अच्छी है कि वो शाही बाजार में आ गया, उसने शॉप खोली और वो सेल कर रहा है, ठीक है, वो अच्छा खासा कमा रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में उस बंदे ने क्या किया, एक ऐसी शॉप खोली, एक ऐसा काम किया जिससे दुनिया के उस कोने तक बैठा हुआ बंदा भी उसका कस्टमर बन पा रहा है, उसको भी वो चीज सेल कर पा रहा है। जब आपके पास कस्टमर एक शहर से होते हैं और जब आपके पास कस्टमर पूरी दुनिया से होते हैं तो फिर अमीर ज्यादा कौन बनता है? तो डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हम अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, या हम जो भी चीज सेल करना चाहते हैं या सर्विस को, सिर्फ अपने शहर के लोगों तक नहीं, अपने आसपास के लोगों तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ बैठकर अमेरिका में चीज़ को सेल कर सकते हैं, यहाँ बैठकर हम जो फ्रांस में, जो भी यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर चीज़ें सेल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इस चीज़ में हेल्प करती है। अब यहाँ पर आगे डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ गया, काम क्या है इसका डिजिटल मार्केटिंग का। अब डिजिटल मार्केटिंग हम करते किस किस प्लेटफॉर्म से हैं, कैसे करते हैं, फिर वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन करते किस किस प्लेटफॉर्म से वो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का क्या सीन बताया मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचते हैं, फोकस करना, डिस्टर्ब नहीं हो, आधा घंटा हमारे पास, तो कोशिश करते हैं कि चीज़ें समझें। अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में मैंने क्या कहा शुरू में कि हम देखें दुनिया के सारे लोगों तक पहुँच रहे हैं या दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हैं, ये मेरी बात है। तो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीन्स के इंटरनेट के थ्रू हम जो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हैं। इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा लोग अभी किस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है? अब तक गूगल, 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 ठीक है, गूगल, यूट्यूब, आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, मीन्स के आप कह रहे हैं कि फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, और इसके अलावा ट्विटर भी है, टिकटॉक भी अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, व्हाट्सएप भी अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, मतलब कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। और गूगल एक बंदे ने कहा वो सर्च इंजन है, आई थिंक, ठीक है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से अभी मुझे? फेसबुक, यूट्यूब, रेडिट को हम थोड़ा साइड में करेंगे, वो इसलिए क्योंकि आप में से रेडिट कौन कौन यूज करता है, हाथ ऊपर करें, आप सिर्फ एक। फेसबुक कौन कौन यूज करता है, किस चीज की बात की जाए, उस चीज की जो सर जो इंटरनेशनली है ना, नहीं इंटरनेशनली आप देखिए ना, इस क्राउड में अगर फेसबुक ज्यादा यूज हो रहा है तो रेडिट और फेसबुक का आप इंटरनेशनली मुकाबला करवाएंगे तो फेसबुक क्योंकि कॉमन बंदे तक जो चीज पहुंच रही है उसका मतलब कि वो कॉमन है, ठीक है जी। फेसबुक हो गया और टिकटॉक, अच्छा मजाक वाली बात है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यार सीखने वाली बात है, यूट्यूब, टेलीग्राम, लाइकी, यूट्यूब, एंड इट इज अभी इन फालतू ऐप को हम यूज़फुल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उसको हम एक माइक्रो नीश हमने करके उसको यहाँ पर रख दिया, उसको हम कहते हैं सोशल मीडिया डिजिटल, सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल, तो ये सारा कुछ हो गया, ठीक है, वो गूगल पे भी अभी हम आते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके एड्स देखे होंगे कभी? यस सर, एड्स आते रहते हैं कभी कोई चीज़, अभी तकरीबन वो ज़्यादा एक क्लॉक है जो कि दीवार पे लगता है,
उसका तकरीबन कोई ज्यादा आ रहा है, तो उसकी आप मिसाल ले लें। अब वो बंदा क्या कह रहा है, वो लाहौर में बैठ के आप लोगों को क्लॉक सेल कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास बंदे हैं बलिंग में, वो भी क्लॉक सेल कर रहे हैं। फर्क आप शुरू से इसको लेते हैं तो आप चीज़ें जो वो क्लियरली आपको दिखाई देंगी कि डिजिटल मार्केटिंग में और जो हो रहा है हमारे यहाँ उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है जी, आपको यहाँ पर क्लॉक सेल कर रहा। अब मसलन क्लॉक को हम छोड़ते हैं, हम इस वॉच को ले लेते हैं। ठीक है, हम देखें प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो इस तकरीबन सेशन को आपने जो ध्यान से देखना है। यहाँ पर मेरे पास ये वॉच है। ठीक है, एक हमने सर्च इंजन भी किसी ने यहाँ पर कहा था कि उसके पास भी ज़्यादा ट्रैफिक है, ये होगी सोशल मीडिया गूगल। ठीक है जी, ये क्या होगी सर्च इंजन। ठीक है जी, सर्च इंजन हमारे पास कौन सी गूगल। ठीक है, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं या जी जो भी चीज़ें हैं इनके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यानी कि आम बंदे यहीं पर आते हैं, इन्हीं के थ्रू जो भी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। अब मेरे पास ये वॉच है, ठीक है, मेरी ये कंपनी है। आप लोगों के पास ये स्किल है कि आपको फेसबुक पे वो जो एड रन हो रहा होता है ना, वो रन किस तरह से होता है आपने किसी ने किया ये पता है आपको पता है। किसी भी पेज के ऊपर आप मतलब कि दो तरीके होते हैं, एक तो आप डायरेक्ट एक्शन के पास चले जाते हैं, आप यहाँ पे चला है। दूसरा होता है कि जब भी आप कोई पेज बनाते हैं ना गूगल और फेसबुक के पर, वहीं पे आपको बूस्ट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ठीक है, आप क्लिक करते हैं तो आप अब ये इस स्किल को मजीद ये आप चीज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको एड का ज़्यादा खर्चा आ गया तो प्रॉब्लम होगी, आपको कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा जो कन्वर्जन लाने हैं, तो ये स्किल है, एक मुकम्मल हम इसको कवर करेंगे। ठीक है जी, अब हो गया सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म, मसलन फेसबुक के थ्रू आपको चलाना आ गया कि एड किस तरह से चलता है। मेरा बिजनेस है वॉच का। ठीक है, आप में से मैंने किसी को बिठा लिया, भाई क्या आपको फेसबुक पे एड्स रन करना आते हो, तो आप करूँगा कभी मेरे मुझे चार दिन के लिए अपनी घड़ी का जो एड लगाना है उसको सेल करना। अब इसमें क्या फ़ायदा है, नंबर वन फेसबुक आपके एड को वहाँ वहाँ पहुँचाता है जहाँ जहाँ आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, वैसे अगर आप मार्केट में दुकान खोलते बैठ के तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ है, वहाँ पर आप डायरेक्टली उस बंदे को अप्रोच नहीं कर पा रहे जो कि एक्चुअल में बाय करना चाहता है, उसको आप अप्रोच नहीं कर पाते। लेकिन फेसबुक के थ्रू आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप टारगेटेड ऑडियंस को अप्रोच कर पाते हैं। तो फेसबुक पे अगर आप एड चलाना सीख जाते हैं तो ये आप क्या सीखे, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया फेसबुक टिकटॉक तकरीबन सेम मेथड है। एक बार आप मेहरान अगर चलाना सीखे ना तो फिर आई थिंक अगर आप कोई और गाड़ी लेते हैं तो उसको भी आप एक दो दिन आई थिंक धक्का देंगे लेकिन चला लेंगे। तो अगर फेसबुक पे आपको एड चलाना आ गया तो ये बाकी ठीक है जी, आसान है, ये भी कर लेंगे। अब क्या होगा, अब होता क्या है, किस तरह से होता है, जिस तरह से इन्होंने सवाल किया था कि प्रोजेक्ट कोई देता तो क्या फ़ायदा। अब मैं अपने बिजनेस का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ कि भाई इसके एड्स आपको चलाने हैं। ठीक है जी, आपको इन सारे सोशल मीडिया पे एड्स चलाना आता है। मैंने आपको कहा, मैं कहा भाई आप मुझसे बजट पूछ लें, भाई मेरी 10-15 हज़ार बजट है ये एक हफ्ते के लिए चलाना है, या कोई महीने की कैंपेन भी चलाता है कोई, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने लाजमी आप फेसबुक पे एड चलाएंगे तो आपका खर्चा तो आएगा, फेसबुक आपको ऐसे नहीं चलाने देगा। मसलन आपका मिसाल के तौर पर आपको बता देता हूँ, मसलन आपका 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आता है। ठीक है, आप मुझको कितना चार्ज करेंगे, 8,000 10 ठीक है, ठीक है 10 फिर आपको ब्लॉक करने में थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, 10,000 रुपये आपने ये स्किल अडॉप्ट की। अब आप क्या कर रहे हैं, लोगों के बिजनेस को फेसबुक के थ्रू आप जो मार्केट कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, उसकी एक चीज़ सेल हो रही है। अभी मसलन 1500 की है, 2500 की है, एक एक कन्वर्जन से उसको 2500 मिल रहा है, मतलब कि उसका बिजनेस वर्ल्ड वाइड या पूरे पाकिस्तान में चल रहा है या जो भी उसने टारगेट करने के लिए कागज पर चल रहा है, और आपको अपनी सर्विस के पैसे मिल रहे हैं। अभी ये समझ में आ गई कि आप अगर यूट्यूब पर जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते हैं तो फिर आप सर्विस कहाँ दें, वो चीज़ आई थिंक सर ने भी बताया, मैम भी बता दी है कि आप जो आपको फाइबर या डिफरेंट काइंड ऑफ, बदीन में मैं बहुत ज़्यादा दिनों से सोच रहा हूँ कि सर कि बदीन में भी इस तरह का प्रोग्राम किया जाए कि बदीन के बिजनेस को अभी ये P2P वाले क्यों नहीं एड चलाएंगे। आई थिंक अगर ये FM पे चला रहे हैं, अभी FM कौन सुनता है, आप में से FM कौन सुनता है, आप कोई नहीं चलाता। अब देखें ना, आप लोग इनका माइंड वॉश कर सकते हैं क्योंकि हैदराबाद कराची में इस तरह से हो रहा है, जो लोकल बिजनेस है उनको बंदे सर रीच कर रहे हैं कि भाई आप एड चलाएं। जैसे माताम चंदवारी का आप लोगों ने देखा होगा, ये जो हमारे सिंधी कॉमेडियंस हैं वो चला रहे हैं अभी, तो हाँ
तो ये आप लोग बदिन में भी ये चीज़ कर सकते हैं। मसला ये है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, इसके बाद आप किसी भी ऐसे बिजनेस के पास चले जाएं। वो 100% अभी हमारी बाईपास की उस तरफ कुछ प्लॉटिंग हो रही है तो उसका एड चल रहा है। अब वो एड कहाँ से चलवा रहे हैं, वो कराची से चलवा रहे हैं, क्योंकि बैंक में कोई बंदा ही नहीं है। zameen.com से अभी इनकी कोलेब्रेशन चल रही है। ये चीज़ें आपको नहीं पता क्योंकि आप लोग चीज़ों से बहुत दूर हैं। अभी मैं इंशाल्लाह कनेक्ट करने की कोशिश करूँ। हो गया, फेसबुक पे आप चलाना सीख गए। आप टिकटॉक पे अभी एड्स चल रहे हैं, अगर ज़्यादा लोग चलाते हैं उनको पता होगा टिकटॉक पे अभी एड्स चल रहे हैं, पहले नहीं थे। इंस्टा पे भी सेम मेथड है, इंस्टा और फेसबुक तो वैसे ही सेम है, यानी कि एक ही बंदे का है तो सिस्टम भी उसमें सारा कुछ एक ही दिया हुआ है। तो ट्विटर पे भी आप कर सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं, वहाँ पर एड्स नहीं चल रहे, ठीक है जी। यहाँ पर यूट्यूब सेम मेथड है, लिंक्डइन एक अलग चीज़ है, उसको हम थोड़ा इसके अलग इसके एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम सर्च इंजन पे आते हैं। अच्छा, सर्च इंजन पे फेसबुक पे हम किस तरह से इस घड़ी को देख रहे हैं, मेथड कौन सा था? पिक्चर स्क्रॉल करके एड्स, तो ठीक है एड है वो, पिक्चर्स एंड वीडियोस, पिक्चर एंड वीडियोस में, पिक्चर एंड वीडियोस में आप देख रहे हैं। गूगल पे भी क्या करें, लिंक वेबसाइट की रैंकिंग, लिंक्स यहाँ पर, वीडियोज यहाँ पिक्चर्स नहीं यूज कर सकते। अभी एक और चीज़ भी यहाँ पर आती है कि अगर कोई बंदा आपको कहता है कि मुझे अपने ब्रांड की मार्केटिंग करनी है, तो वो कहता है आप मुझे कंसल्टेंट कहें, भैया आप स्पेशलिस्ट हैं, आप मुझे बताएंगे गूगल पे करवाऊँ, बजट मेरे पास है, नो टेंशन, आप खुद चूज करें, लेकिन गूगल पे चलवाऊँ या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे चलाऊँ, तो आप लोग क्या करेंगे, कहाँ पर चलाएंगे? फेसबुक कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो है क्या, पॉसिबल अगर मेरी वेबसाइट है तो मैं गूगल पे करवाऊंगा, ठीक है। अगर मेरे पास प्रोडक्ट कोई मतलब कि वीडियो से रिलेटिव है तो मैं यूट्यूब पे है या फेसबुक पे मैं चला जाऊंगा। इसका एक और एल्गोरिथम है या इसको समझे कि बिजनेस लॉजिक है, ये इस तरह से, मसलन ये वॉच रोलेक्स है, ठीक है जी। रोलेक्स किसने सुना हुआ है, तकरीबन सबने सुना होगा। इसका नाम हम रख लेते हैं BSH वॉच, बदीन सॉफ्टवेयर हाउस। अभी हमने यहाँ पर जो ब्रांड बना लिया है, ठीक है जी। तो अभी इसका पहले रोलेक्स नाम था, तो रोलेक्स अगर आप लोगों को चाहिए किसी वेडिंग सेरेमनी के लिए तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, आई थिंक गूगल आपको सजेस्ट कर देगा क्योंकि ऑलरेडी है, मशहूर ब्रांड है। लेकिन अगर आप जाके BSH वॉच सर्च करें आएगा, अगर कोई वहाँ पर एड भी चला फिर भी नहीं आएगा। फिर भी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया में अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। गूगल वही सजेस्ट आपको करेगा जो उसको ऑलरेडी पता होगा, उसकी डेटाबेस में होगा। तो जब हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट आता है तो हम क्या करते हैं सर जी, अगर नया प्रोडक्ट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सोशल मीडिया के थ्रू हमने लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब हमारी परसेप्शन क्रिएट हो गई हमारे ब्रांड की, तो फिर हम वेबसाइट, हालांकि जब वेबसाइट भी बनवाता है तो फिर हम उसको यही सजेस्ट करते हैं, तो पहले आप सोशल मीडिया से हो गया है, ठीक है जी। तो आपने सोशल मीडिया से जो वो उसकी मार्केटिंग की, इसके बाद जाके गूगल से। अभी गूगल पे मार्केटिंग की बात करें तो आप लोगों ने कहा कि जी यहाँ पर वीडियोस और इमेजेस वगैरह तो हम यूज़ नहीं कर सकते, देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिंक्स वगैरह होते हैं। तो अभी गूगल हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको टॉप पे क्यों लाए, हम साथ मिल के सीख रहे हैं, मैं एक यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता, सवालों के जवाब आप लोग खुद दे रहे हैं, मैं सिर्फ उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर हमें गूगल पे इसकी मार्केटिंग करना है तो आपके मुताबिक क्या करें, ये आप लोगों ने लिख तो दिया था ना, इसलिए मैंने मिटा दिया ऐसे ही। तो वेबसाइट बनाए कुछ, ठीक है, वेबसाइट वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर वेबसाइट नहीं आएगी, गूगल सर्च कॉन्सर्ट्स नाम से शायद एक वेबसाइट आती है जहाँ पे आपको उसकी मार्केटिंग करना, ठीक है, फिर वो आपको गूगल सर्च में डाल देते। और कोई, अगर हमें गूगल पे अपने प्रोडक्ट को या अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना है तो फिर हम क्या करें, SEO करवाते हैं, मेल के अंदर ऑप्शन होता है उसके अंदर आप बिजनेस और गूगल बिजनेस के नाम से आता है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई आप परफेक्ट चीज़ बताएं, ठीक है जी। आपने क्या बताया, SEO होता किस तरह से, SEO वर्क किस तरह से करता है, एडमिट मैं उसकी चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लूँ कि अगर आप गूगल मैप पे अपने बिजनेस को ऐड करते ना और वही बिजनेस वही नेम से या मिलता जुलता अगर किसी की वेबसाइट है तो गूगल मैप आपका लास्ट लाखों में भी नहीं दिखेगा क्योंकि वेबसाइट फर्स्ट आती है, ठीक है। अच्छा, SEO, अब SEO किस तरह से करें वो हम सीखते हैं। बेसिकली SEO में होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओके।
असल में हम अगर इसको सादा से इसको समझने की कोशिश करें तो ये है कि गूगल को आप जो कहेंगे गूगल आपको वो देता है। तो SEO का अगर हम सादा लफ्जों में सीखें या हमारे जो मतलब कि मातृ जबान उसमें कहें तो भाई SEO का मतलब है गूगल को जो चाहिए उसको वो दो। गूगल क्योंकि गूगल क्या करता है, गूगल अपने यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहता है। हाँ क्यों, इसलिए हम उसकी सर्च इंजन के पास जाते हैं क्योंकि वो उसको हम जो कहते हैं वही वो हमें देता है। हमारे पास दूसरी सर्च इंजन कौन कौन सी हैं, बिंग है या यूटेक्स है, उसको हम कहते हैं एक ही और वो चीज़ दूसरी आगे देता है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते। गूगल को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो SEO किया नहीं जाता, SEO हो जाता है। मसलन आपकी एक वेबसाइट है, आपकी नहीं बल्कि मेरी वेबसाइट लिख लेता हूँ क्योंकि आपकी वेबसाइट तो है नहीं, इंशाल्लाह आप बनाएंगे प्रॉफिट के डॉट ब्लॉग, ठीक है जी, प्रॉफिट के डॉट ब्लॉग। अब यहाँ पर अभी इस वॉच को ही सेल करते हैं, वैसे सेल करनी नहीं है लेकिन इसको अभी मतलब सेल करके आ रहे हैं, ठीक है जी। अब हम इसको सेल करने की कोशिश करते हैं गूगल के थ्रू, अपने जो कस्टमर है उस पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। SEO करना चाहते हैं, SEO वैसे कोई रिजल्ट नहीं आते, SEO के सोशल मीडिया पर कोई रिजल्ट आते हैं, SEO लेट रिजल्ट देता है लेकिन अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है जी। प्रॉफिट की डॉट ब्लॉग, अब ये है मेरी वेबसाइट जहाँ पे मैं अपनी वॉचेज वगैरह सेल करता हूँ, ठीक है। अब मसलन आप में से किसी को चाहिए बेस्ट वॉच ब्रांड टू वेयर इन वेडिंग सेरेमनी, आपने ये गूगल पे सर्च किया, ठीक है जी। आपने ये गूगल का काम इतना बेकार बना, अब कुछ ठीक है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा बेस्ट वॉच, बहुत तो नहीं हो रहा ना, बेस्ट वॉच ब्रांड टू वेयर इन वेडिंग सेरेमनी, ठीक है जी। आपने ये लिखा, अब आपको पता नहीं है कि आप क्या पहने, आप गूगल से सजेशन ले रहे हैं कि अगर वेडिंग सेरेमनी है तो उसमें मैं क्या पहनूं, ठीक है जी। अभी जैसे ही आप ये कीवर्ड सर्च करते हैं तो गूगल आपको सजेस्ट तब करता है जब उस कीवर्ड पे ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल हो, आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो या जो भी अपलोड करता है। मसलन मेरी प्रॉफिट की डॉट ब्लॉग है, यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लिखा अबाउट माय BSS वॉच, मैंने पहले उसका टाइटल दिया बेस्ट वॉच टू वेयर। असल में ये मैं लोगों को नहीं बता रहा, ये मैं गूगल को बता रहा हूँ, गूगल को गाइड कर रहा हूँ वेयर टू बेस्ट वॉच टू वेयर इन वेडिंग सेरेमनी, इन वेडिंग सेरेमनी, ठीक है जी। ये हो गया टाइटल। अब जब हम SEO करते हैं तो इसी टाइटल को हम डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करते हैं, एक मुकम्मल बहुत बड़ा आर्टिकल जब हम लिखते हैं, आर्टिकल पढ़े हुए आप लोगों ने, आर्टिकल किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में होते हैं, अगर ये काम कर रहा था तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाता। इस पर मैंने ये टाइटल दिया, अब मैं अपनी वॉच के बारे में लिख रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, इसलिए ये वेडिंग सेरेमनी में पहनने के लिए बेस्ट है, आपको जो लुक अच्छा हो जाता है फिलहाल 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 फिलहाल। लेकिन उस आर्टिकल में मैंने 4-5 बार ये कीवर्ड सेम यूज़ कर लिया। अब जैसे ही कोई गूगल पे आता है, ये लेट मैंने पहले ही कहा था ये क्विक रिजल्ट नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद आपके जो इसी टाइटल इसी मिलते जुलते टाइटल्स आपने लिखे हैं बेस्ट वॉच टू वेयर इन वेडिंग सेरेमनी, बेस्ट वॉच इन 2023 टू वेयर इन वेडिंग सेरेमनी, मतलब क्या मिलते जुलते आपके आर्टिकल को बहुत सारे आपके आर्टिकल्स, तकरीबन 50-60 की आपके जो ब्लॉग लिखे हैं आपकी वेबसाइट पर। अब जब कोई गूगल पे ये कीवर्ड सर्च करता है तो गूगल ऑटोमेटिकली अपने डेटाबेस में ढूंढता है कि ये कीवर्ड्स किस किस वेबसाइट से यूज़ हुए, ठीक है जी। इसके अब सेकंड एल्गोरिथम पे भी आते हैं, यहाँ तक समझ तो आ रहा है ना, यहाँ पर आपसे छूट जाए आप अभी सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से गूगल अपने डेटाबेस में जो ढूंढता है इस कीवर्ड से जो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। मसलन उसको मिल गया हमारा कीवर्ड किसी उस कस्टमर के मिलते जुलते की सर्च किए वो कीवर्ड से ये आ गया, ठीक है जी, आ गया। अब हमारा ब्लॉग उसके सामने आ गया, अब जैसे ही कस्टमर वहाँ पर जाता है आर्टिकल भी हमारा लिखा हुआ है, वहाँ पर हमारी जो बैंक लिंक है वो भी दी हुई है और डायरेक्टली वो वहाँ से बाय कर लेता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आती है, वैसे ये एडवांस लेवल है, बतानी तो नहीं चाहिए, बतानी नहीं मतलब कि जिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें बोर कर देंगी क्योंकि समझ नहीं आएगी चीज़ें, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल ही रखूँ।
अब यहाँ पर मसलन 10 ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि ऐसी वॉचेस सेल करती हैं जो कि वेडिंग सेरेमनी में पहनने के लिए जो वो अच्छी लगती हैं वो पहननी चाहिए, ठीक है जी। अब गूगल अब इनको किस तरह से सजेस्ट करें, 10 वेबसाइटें हैं, अब फर्स्ट पे किसको लाएं, जिसकी अच्छी होगी ज्यादा, जिसकी ज्यादा ट्रैफिक हो, जिसको रेटिंग से ज्यादा सर्च किया होगा। आप क्या कह रहे थे, जिसकी मतलब ब्रांड ही होगा वो अच्छा होगा ज्यादा, गूगल ने पहन के तो नहीं देखा। अच्छा आप यूजर्स उसे मतलब रेटिंग देंगे उसके हिसाब से, गुड, जिसकी ज्यादा डिमांड होगी, जिसकी ज्यादा डिमांड होगी और जिसकी ज्यादा सर्च होगी, सर्च होगी या रेटिंग होगी। मसलन एक बार आपके ब्लॉग पे या आपकी वेबसाइट पे कस्टमर आता है तो वो कितनी देर आपकी वेबसाइट पे मौजूद था, इसको हम कहते हैं बाउंस रेट, इसको हम कहते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट जिन जिन वेबसाइट्स का कम होता है गूगल उन्हीं को टॉप पे लाता है। बाउंस रेट को कम करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, अपने अपने कंटेंट को जो हमने वॉच के बारे में लिखा हुआ था उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाना है, इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि कस्टमर को कम से कम 2-3 मिनट के लिए तो पढ़े ही पढ़े। एक होते हैं कुछ आर्टिकल हम खोलते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ आर्टिकल ऐसे मज़ेदार होते हैं बैठ के पढ़ते हैं इंजॉय करते हैं, स्टोरी लाइन या ऐसे कुछ भी मतलब कि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। अब गूगल सेकेंडली इनको जो इस बेस पे करता है, ओके अब आते हैं हम इसको सेल किस तरह से कर सकते हैं। अब वही बात जो मैंने वहाँ पर बताई थी कि मसलन कोई अमेरिका में ऐसा आप जाते हैं यूनाइटेड किंगडम जाते हैं, ठीक है जी, और वहाँ पर इस तरह से होता है कि अगर मैंने वहाँ पर भी बताया था यहाँ पर अगर आपको बर्तन लेने हैं तो आप जाते हैं शाही बाजार, आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप अमेरिका में हैं या आप यूके में हैं और आपको जो है ये प्रेशर कुकर चाहिए तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली शॉप पर नहीं जाते क्योंकि आपको इलम नहीं होता कि उसकी प्राइस क्या है, वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन लेकिन आप क्या करते हैं, आप गूगल से पूछते हैं कि आपके आसपास में ये कहाँ पर अवेलेबल है, गूगल फिर आपको सजेस्ट करता है। मसलन उसने आपको मैंने कहा ना 10 वेबसाइट से सजेस्ट करता है, 10 उसने सजेस्ट की, अगर वहाँ पर 30 बिजनेस हैं तो फिर गूगल 30 बिजनेस हैं तो वो 20 कहाँ जाएँ, फिर वो जो 20 बिजनेस होते हैं अगर आपको SEO आता है तो आप सेकंड आप जो बाय करने वाला होता है वो तो फर्स्ट से बाय कर लेगा, सेकंड पेज पे जाएगा अगर उसको चीज़ फर्स्ट से मिल रही है, जाएगा ऐसा नो 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 डेफिनेटली ओके, तो वो सेकंड पेज पे नहीं जाएगा, सेकंड पेज वालों के पास कौन जाएगा, फर्स्ट पेज पे नहीं जाएगा, सेकंड पेज वालों के पास कौन जाएगा, SEO वाले जो सर्च इंजन करते होंगे वो उनके दुखड़े सुनेंगे, भाई ये आपका बिजनेस नहीं चल रहा, घाटे में जा रहे हैं आप, सर्च पे नहीं आ रहे आप, उसको आपने कुछ बातें बताई उसके साथ कॉन्टेक्ट किया आपने, अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई अब मैं टॉप पे किस तरह से आऊँ, इनको कॉम्पिटेट किस तरह से करूँ, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर वही चीज़ें करेंगे जो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन की, एड चलाएंगे, एड तो चलाएंगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि उसको आप कंटेंट राइटिंग की कंसल्टेशन दें, भाई मैं अच्छा कंटेंट राइटर हूँ, जो सर ने आपको स्किल्स बताई है उसमें आई थिंक ये भी है, तो वो स्किल अगर आपको आती है तो आप उसको अच्छा कंटेंट राइट मतलब क्या SEO वाला बंदा क्या होता है उसको पता होता है कि भाई मेरे कस्टमर को ये चीज़ भी चाहिए होती है, तो वो तकरीबन मिला जुला के रखता है सबको जिस तरह से मैं मिला जुला के रखता हूँ। तो उसने क्या कहा कंसल्टेंट उसको किया कंसल्टेशन उसकी की कि भाई आप अपना कंटेंट जो अच्छा करें, अगर आपको करना है तो ठीक करना मैं कर लेता हूँ, मैं तो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हूँ, आप मेरा पोर्टफोलियो देख लें, मैंने इतनी सारी वेबसाइटों के लिए काम किया वो ऑलरेडी, तो आप उसको पोर्टफोलियो दिखाते हैं, मुझे चलिए ठीक है आप कर लें, फिर आप उसके लिए काम करते हैं और फिर उसको चार्ज करते हैं, आप मसलन $300 अगर आप उसको चार्ज करते हैं तो उसको देने में कोई मसला नहीं होगा, अगर उसकी प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट मसलन हमारे पास मैं आपको किस कंपनी की मिसाल दूँ, मसलन हमारे पास एक कंपनी है मुझे याद है क्योंकि इसका 16 दिसंबर पे भी आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है जी, लेकिन तो इसका एक प्रोडक्ट है 112 यूरो का, अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे, अच्छा हम इसको डॉलर में कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बस इसका एक प्रोडक्ट है $100 का, ये पाकिस्तानी कितने रुपये का वो 22,200 लेकिन मसलन इसका $100 का
एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब कि ये एक चीज एक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसको 22,000 पे आते हैं या $100 आते हैं, ठीक है जी। इसका पूरा बिजनेस जो होगा वो कितने डॉलर्स का होगा, लाखों डॉलर्स का होगा। एक प्रोडक्ट जब $100 की आ रही है होगा ना, तो अगर वो लाखों डॉलर्स में से अपने सेल्स बढ़ाने के लिए आपको $300 दे दे तो आई थिंक उसके लिए कोई मसला नहीं, तो आप उसको एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा था क्या किया था, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हमने फेसबुक के थ्रू एड्स वो किस तरह से चलाते हैं वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, वहाँ पर अभी LCT की ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही है तो वो आप कर सकते हैं, फिर यूट्यूब से सीख सकते हैं। अगर आप जो वो SEO करना चाहते हैं सर्विस भी किस तरह से प्रोवाइड करते हैं वो भी मैंने समझा दिया, अगर समझने वाला होगा तो यहाँ से समझ जाएगा, ठीक है। घड़ी पहन लेता हूँ, तो आप ईशान सर्वर साहब की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है तकरीबन कोई 10-15 वीडियोस की, तो वो आप देख सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ सर बनाए गए हैं कि इंशाल्लाह गैस प्लॉगिंग की यहाँ पर गदीम सॉफ्टवेयर हाउस की आप लोगों को ये सारी स्किल्स प्रोवाइड होंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वक्त के साथ साथ आई थी, ऐसा ही है, ऐसा ही बिल्कुल वक्त के साथ साथ यहाँ पर भी आपको होगी, लेकिन अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं अपने आप पे तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा अभी सवाल जवाब करें या अभी और जाएं, वैसे देर हो गई है, आसान जवाब सवाल जवाब करें, किसी का कोई सवाल था मुझे काफी ऐसी, मतलब कि आप कौन से फेसबुक पे कोई भी बनाते पेज तो वो गूगल पे आ जाता है, आपको सिर्फ SEO का यूज करना पड़ता है, ठीक है। मगर काफ़ी जैसे मेरा एक मतलब कि वेबसाइट है तो वो सर्च इंजन में ही नहीं आती है, मतलब कि 10 तक सर्च आते हैं उसी के अंदर ही नहीं आती है, तो उसके लिए आपकी वेबसाइट है या आपका फेसबुक का पेज है, वेबसाइट है आपकी, तो फिर मैंने वही कहा कि यहाँ पर अगर कोई SEO सीखा हुआ हो या SEO सीख ले तो फिर आपको प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि वो रैंकिंग तो मैंने की हुई है, तो मसला ये आ रहा कि फेसबुक एडॉप्ट ही नहीं कर रहा इस चीज़ को, आप दोनों चीजों को पता नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं आई थिंक गूगल की रैंकिंग की, गूगल में सर्च में नहीं आ रहा गूगल की, और आप फेसबुक के भी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है डायरेक्ट की जो उसका मैं फॉलो www.marbleworld.ga ठीक है, डायरेक्ट मैं सर्च पे डाल रहा हूं, मतलब वो आ रही है, आ रही नहीं है डायरेक्ट रिसर्च पे भी नहीं आ रही, पूरा ही नहीं आ रही, फिर आप टेक्निकल SEO आप लोगों ने करा, मैंने कहा था ना कि आप मजीद जाएं मजीद हम फिर सीखेंगे SEO के कौन कौन से तरीके के टेक्निकल SEO हमारा ऑफ पेज SEO ऑन पेज SEO, तो फिर आपको टेक्निकल SEO वो भी मैंने कोशिश की थी, जैसे कि उसके अंदर जैसे गूगल सर्च कॉन्सर्ट्स का नाम क्या वेबसाइट आती है गूगल की अपनी, उसके अंदर भी डाला जाता है कि आ जाए, उसे भी 4 दिन हो गए डाले हुए, अगर अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको टेक्निकल SEO वाले से कंसल्टेशन आपने लेनी होगी, तो वो आपको सजेस्ट कर देगा कि ये क्यों नहीं आ रही और क्या हो सकता है। और क्या मतलब इस तरह से फर्क पड़ता है कि कोई फ्री डोमेन होता है तो काफ़ी फ्री डोमेन मिल जाते हैं, जैसे मेरा वाला फ्री है तो अगर आप परचेज कर लेंगे तो परचेजेस होते हैं, क्या इसके अंदर फर्क आ जाता है, बिल्कुल फर्क आता है, अच्छा दूसरा किसी का सही सवाल जी, दराज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मार्केटिंग करके दराज पे जो सेल हो रहा है वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अच्छा और कोई सवाल, ऐसे बिजनेस का जो या ऐसे बंदों का थोड़े जो हम सजेस्ट करेंगे आप फेसबुक पर अपने ऐड चलाएं या इस तरह, हमारे यहां आप हर बदीन के शॉपकीपर के पास आप जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल पे कि आप उसको किस तरह से समझाते हैं, आप P2P वाले के पास चले जाएं ना, मैं गारंटी देता हूं अगर आपको स्किल आती है, देखें अगर आप मसलन मुझे पता है कि मैं 1,000 रुपये में डेली उसका मतलब कि 4 दिन के लिए चलाऊँ तो 4,000 रुपये खर्चा आएगा, लेकिन अगर आप ऐड चलाएंगे ना उसमें थोड़े एल्गोरिथम होते हैं तो उसका आप अगर 4 लाख का बिल निकाल के बैठ जाएंगे तो आदमी आप स्किल को अडॉप्ट करें, इसके बाद आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि यार मैं अगर उसका ऐड चलाऊंगा तो वो लोगों तक पहुंचेगा, उसको फ़ायदा होगा, जब आपको ये कॉन्फिडेंट हो जाए तो फिर आप P2P वाले के पास भी चले जाएं, वो भी आपसे अग्री करेगा और आप आपको जो वो ऑर्डर देगा जरूर, बदीम वालों के पास भी आप जा सकते हैं जी, और कोई सवाल सवाल है कोई, सर ये डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग और SEO के अलावा और कौन कौन सी चीजें आती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में हम कवर करते हैं, ये प्लेटफॉर्म इनका सबका अलग अलग एल्गोरिथम है और SEO करती हैं,
एसईओ के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग आती है, ऑन पेज एसईओ आता है, ऑफ पेज, ये फिर अलग अलग चीज़ें, ये भी अगर आप सीखना चाहें तो इनके भी अलग अलग आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और कोई सवाल नहीं है? सवाल जाम पक्की बात है, हम आपको छोड़ेंगे तो जाम नहीं देंगे।